जिसे सबसे ज्यादा वोट देकर आपने बनाया है, सारेगामा 2023 का विनर, वो नाम है, कांग्रेचुलेशंस टू द विनर। हो गया दोस्तों सारेगामा पा 2023 का विनर का अनाउंसमेंट। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में यह जानकारी मिलने वाली है कि कौन बना है सारेगामा पा का अगला विनर। आपको बता दूं कि संडे के दिन में आज दोस्तों ग्रैंड फिनाले हुआ है, जिस दौरान कि हमारे सभी टॉप 5 कंटेस्टेंट ने अपने बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है। काफी रंगारंग ये प्रोग्राम रहा है, जिस दौरान कि गोविंदा जी, उनकी पत्नी और साथ ही साथ अरुणा ईरानी जी स्पेशल मेहमान बनकर आए थे, और होस्ट में आदित्य नारायण के साथ में हर्ष लिम्बाचिया भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं। और इन सबों की मौजूदगी में विनर का अनाउंसमेंट हो चुका है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा वोटिंग जिस कंटेस्टेंट को मिली है, वो कंटेस्टेंट अल्बर्ट काबो लैपचा और निष्ठा शर्मा के बीच में जबरदस्त टफ कॉम्पिटिशन हुआ है, जिसके बाद कि इन दोनों में फैसला किसी एक कंटेस्टेंट के नाम गया है दोस्तों। और वह कंटेस्टेंट है आपके दिल के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट, और वह है अल्बर्ट काबो लैपचा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेचुलेशन के हकदार वह बन चुके हैं, और उन्हें यह सारेगामा पा की चमचमाती हुई ट्रॉफी दी गई है, जो कि आप फोटोग्राफ्स के दौरान में देख पा रहे हैं। और उसके साथ में ही मारुति सुजुकी की तरफ से ब्रेजा कार भी उन्हें स्पेशल उपहार के रूप में मिली है, और ये सब पाने वाले वह कंटेस्टेंट बने हैं अल्बर्ट काबो लैपचा। तो कांग्रेचुलेशन के वो हकदार है दोस्तों, जिस तरीके से पूरे इंडिया से भर भर के उन्हें वोट और सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से कि अल्बर्ट काबो लैपचा टॉप 5 का हिस्सा बनने में कामयाब हुए थे, और उसके बाद में सारेगामा पा का अगला विनर वो बन चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अल्बर्ट काबो लैपचा को विनर बनता हुआ देखकर आप कितने एक्साइटेड हुए हैं, और कांग्रेचुलेशन आप उन्हें जरूर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें आपने इन सारी बातों को जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए प्रभात जागरण।